कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। और हमारा आज का टॉपिक है साइक्लोन। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत में अम्फान और निसर्ग ने कदम रखा और अपनी तबाही के जो कदम होते हैं वह जगह जगह पर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि साइक्लोन होते क्या हैं, चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात उठते कैसे हैं, अरब सागर के चक्रवातों के बारे में, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के बारे में, उत्तरी ध्रुव में चक्रवात कैसे होंगे, दक्षिणी ध्रुव में चक्रवात कैसे होंगे, या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात को क्या नाम दिया गया, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों को क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवात। देखिए दोस्तों, देखिए चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ट्रॉपिकल। क्या होता है? ट्रॉपिकल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इंग्लिश में आप कह लीजिए ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेट। क्या होता है? टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, हम सभी को पता है कि पृथ्वी को तापमान के आधार पर चार जोन में या चार कटिबंध में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है उष्ण, दूसरा है उपोष्ण जोन या कटिबंधीय कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल इंग्लिश में कह सकते हैं आप इसको, शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट जोन, ध्रुवीय या आप इसको कह सकते हैं पोलर जोन। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। और इन चारों में से जो चक्रवात बनते हैं वो दो ही नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गया और एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, ये देखिए गोलार्ध का आपके सामने एक चित्र बनाने का प्रयास किया है मैंने, समझाने का प्रयास किया है। आप सभी को पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाए तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण में चले आए, साउथ में चले आए, तो इसे आप कहते हैं मकर रेखा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी चक्रवात बनते हैं उन्हें हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल जोन चक्रवात। बात समझ में आ गई? फिर से सुन लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात बनते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल जोन साइक्लोन। ठीक है ना, अब सुनेंगे आप ध्यान से, 30 डिग्री थोड़ा ऊपर जाए, 30 डिग्री से 66 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से 66 डिग्री के मध्य, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, 30 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में कौन साइक्लोन बनते हैं? आपका आंसर होगा टेम्परेट, यानी कि शीतोष्ण चक्रवात। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा बताइए। कुछ नहीं याद करना है आपको, देखिए क्या है, नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत। ठीक, साउथ में जाए तो क्लॉकवाइज, इसका मतलब हो गया कि घड़ी की दिशा के साथ। ठीक, तो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले को आप लोग पकड़े रहिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अभी आगे। फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, प्रेशर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, या आप कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी मींस टेम्परेचर। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जिस जगह हाई प्रेशर होगा वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? लो टेम्परेचर होगा। कौन सा फॉर्मूला हमें जानना है फिजिक्स का? तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब कि जहां हाई प्रेशर है वहां पर लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? और जहां पे लो प्रेशर है वहां पे तापमान क्या होगा? अधिक होगा, वहां पे तापमान अधिक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लोन की, कि चक्रवात कहते किसे हैं। बहुत ध्यान सुनिए, आप सीधे कह सकते हैं कि वायुमंडल में एक भंवर को क्या कहते हैं हम? चक्रवात कहते हैं, चक्रवात नाम दे दिया गया। ठीक है, अब सुनेंगे आप ध्यान से, समुद्र में जब चक्रवात बनते हैं और चक्रवात का जो केंद्र होता है, वहां पर हमेशा लो प्रेशर, कैसा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर कह सकते हैं आप, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, जब समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो जाता है,
तभी चक्रवात बनने की कंडीशन पैदा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और जहां केंद्र होगा वहां पे लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब जब हाई टेम्परेचर है तो आप जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर की ओर उठती है, और उस हवा का जगह लेने के लिए बाहर से ठंडी हवा आएगी, मतलब कि हाई प्रेशर की एयर एंट्री करेगी और लो प्रेशर की एयर ऊपर की ओर जाती जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या बनेगी, बादल बनाएगी। क्या बनाएगी, बादल बनाएगी, ठीक है ना। बहुत ध्यान सुनेंगे आप, यहां से जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो बनाती है बादल, ठीक। और उस बादल पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि साइक्लोन का केंद्र जहां पर हाई लो प्रेशर होता है यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, वहां से जब गर्म हवा ऊपर उठती है और बादल बनाती है तो उस बादल को किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा कपासी बादल। किस नाम से जानते हैं, कपासी बादल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे चक्रवात की आंख के ऊपर, समझे आप। अब हम बात करते हैं दोस्तों चक्रवात की आंख की, और समझते हैं कि चक्रवात की आंख आखिर होती क्या है। बहुत ध्यान सुनेंगे आप, जहां से चक्रवात उठ रहा है यानी कि केंद्र, जो केंद्र है चक्रवात का, उसी केंद्र को हम कहते हैं चक्रवात की यानी कि साइक्लोन की आंख, ठीक है। एक फिगर बना है आपके सामने साइक्लोन का, मैंने बनाने की का प्रयास किया है। देखिए जो बिल्कुल बीच में जहां पर लो प्रेशर है उसे हम कहते हैं चक्रवात की आईज, चक्रवात की आंख, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनेंगे आप, देखिए इधर क्षेत्र हो गया चक्रवात का, इधर क्षेत्र हो गया बाहरी क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र हो गया आउटर, ये भी आउटर, बीच में कौन सा क्षेत्र है, इनर एरिया है, जिसको आप चक्रवात की आंख कह रहे हैं, ठीक है। अब सुन लीजिए, इसी चक्रवात की आंख को शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत क्षेत्र। क्यों कहा जाता है शांत क्षेत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति चक्रवात के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है, कोई भी वस्तु चक्रवात के बिल्कुल केंद्र में है, ठीक। तो जो चक्रवात के ऊपर आंख के ऊपर जो बादल बन रहे होंगे उनके द्वारा जब पानी बरसाया जाएगा तो चक्रवात के चलने की वजह से, घूमने की वजह से पानी अंदर नहीं आएगा, पानी अंदर नहीं गिरेगा, और हवाएं भी जो बाहर से इस चक्रवात को ढकेल के चला रही हैं वो अंदर ना प्रवेश करने की वजह से जो अंदर खड़ा व्यक्ति है यानी कि आईज फेस की खड़ा व्यक्ति है, केंद्र पे खड़ा व्यक्ति है, वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं शांत क्षेत्र। इतनी बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि चक्रवात चल रहा है, आ रहा है, ठीक है, और उसके क्षेत्र में यानी उसके आई में, आंख पे या केंद्र पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या उसे नुकसान होगा, ठीक है। अगर ये कहता कि चक्रवात स्थित है, केवल घूम रहा है अपने केंद्र पे, तब नुकसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और चक्रवात धीरे 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 घूम के आगे बढ़ेगा, घूम के आगे बढ़ेगा, तो जो ये पिछला एरिया है ये आगे बढ़ेगा, और जैसे ही ये वाला एरिया आगे बढ़ेगा ये व्यक्ति भी चक्रवात के जो चक्रवात का जो केंद्र है उसमें आ जाएगा और उसे भी नुकसान पहुंचेगा, ठीक। लेकिन अगर चक्रवात स्थिर है और व्यक्ति जब यहाँ पे खड़ा है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। एक बात और सुन लीजिए, चक्रवात की आंख को क्या कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं। चक्रवात की आंख का जो डायमीटर वो होता है वो लगभग होता है 25 से 30 किलोमीटर, मतलब व्यास, व्यास कितना होता है 25 से 30 किलोमीटर किसका, चक्रवात की आंख का। अगर हम साइक्लोन के व्यास की बात करें तो 500 से 600 किलोमीटर होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। अब आइए अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित फैक्ट को, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि ईस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा विली विली। किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, विली विली, ठीक है ना। ईस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, किस नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को, विली विली, ठीक। अगला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, दक्षिणी चीन या प्रशांत महासागर, फिर से सुन लीजिए, दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर में इसको किस नाम से जानते हैं, तो आंसर लगाएंगे आप टाइफून। किस नाम से जानते हैं, टाइफून, किसको, ट्रॉपिकल को, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका वेस्ट इंडीज, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट इंडीज और अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट इंडीज और अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में,
तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर लगाएंगे आप हरिकेन्स। ठीक है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट इंडीज, अटलांटिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा हरिकेन्स। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से, यही पूछ रहे हैं आपसे हरिकेन्स की तीव्रता या फिर हरिकेन्स के द्वारा जो क्षति होती है उसको हम किस चीज से मापते हैं, किस स्केल पे मापते हैं? तो आपका आंसर होगा साफिर सिम्पसन स्केल। फिर से सुन लीजिए, साफिर सिम्पसन स्केल। ओके, वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम लोग, वेस्टर्न अफ्रीका की, पश्चिमी अफ्रीका की और साउथर्न यूएसए की यानी कि दक्षिणी यूएसए की, वहां पे हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? टॉर्नेडो। किस नाम से जानते हैं? टॉर्नेडो। ठीक है ना, अगर हम हिंद महासागर की, इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में इसको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। हिंद महासागर क्षेत्र में इस साइक्लोन का नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन ही रखा गया है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, जो टॉर्नेडो प्रभावित इलाके होते हैं, जहां पे टॉर्नेडो आया है ठीक, उसके जो प्रभावित इलाके होते हैं उनको हम कहते हैं टॉर्नेडो एली। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो एली। इसको आप हिंदी में भी टॉर्नेडो एली ही लिखेंगे। ठीक है, और मुख्यतः ये है कहां पर? तो मिसिसिपी नदी, आप जानते हैं मिसिसिपी नदी से जो घाटी बन रही है और जो मिसौरी घाटी है, ये मुख्यतः वहां पर पाया जाता है। क्या? टॉर्नेडो एली कहां पर है? मिसिसिपी और मिसौरी घाटी मुख्यतः। ठीक है, अगर बात की जाए टॉर्नेडो जो की तीव्रता की, टॉर्नेडो की तीव्रता की, तो क्या कहेंगे आप? फुजीटा स्केल से नापी जाती है। फिर से सुनिए, टॉर्नेडो की तीव्रता फुजीटा स्केल से नापी जाती है। समझ में आई बात? आइए कुछ पॉइंट और देखते हैं। अब हम जानते हैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, यानी कि शीतोष्ण चक्रवात के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है अभी कि शीतोष्ण चक्रवात 30 डिग्री नॉर्थ से 65 या 66 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ के मध्य आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गए? और सुनिए ध्यान से, पछुआ हवाओं के चलने के कारण जो टेम्परेट साइक्लोन की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इतनी बात समझ में आ गई बात? और सुनिए, साइक्लोन बनने के लिए जरूरी क्या है? मैंने बताया था आपको कि तापमान कितना होना चाहिए समुद्र तल का? 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि साइक्लोन बनने के लिए कोरियालिस बल की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब ये कोरियालिस बल होता क्या है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। चक्रवात की मृत्यु, डेथ कैसे होती है? चक्रवात की अगर हम डेथ की बात करें तो जब संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी, तब चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, संघनन क्या है? तो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तित होना। ठीक, क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और इसकी मृत्यु कैसे होगी? जब संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी, किसको? चक्रवात को, तब चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, एक पॉइंट ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है, कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जहां पर चक्रवात नहीं आते हैं? तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जैसे आप विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हो। ठीक है, इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस बल जीरो होता है। इसी कारण इस एरिया में चक्रवात नहीं आते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर साइक्लोन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कोरियालिस बल जीरो होता है। ठीक है, हवा की गति को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। ठीक है, चक्रवात घिरा है, किससे घिरा है? आप जानते हैं कि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर और बाहर की तरफ हाई प्रेशर, मतलब चक्रवात घिरा है, किससे घिरा है? तो आपका आंसर होगा हाई प्रेशर एरिया से। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अम्फान अभी अभी भारत में प्रवेश किया था, उड़ीसा से टकराया और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ठीक है ना, तो अम्फान के बारे में जानकारी कैसे मिली? पहले तो आज से अगर 50 साल 60 साल पहले हम चले जाएं तो तूफान आता था, गांव के गांव चले जाते थे, काम हो जाता था,
पता नहीं चलता था, मतलब जान माल की बहुत बड़ी हानि होती थी। ठीक है, आज हमारी प्राथमिकता ये है कि हम तूफान को पहले से पता कर लेते हैं कि आने वाला है चक्रवात, और प्राथमिकता ये होती है कि जान ही जहान है, मतलब जान बचानी ही है। ठीक है, तो सुनेंगे आप ध्यान से। भारत में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार तूफान बनने वाला है। ऐसा कौन कहता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बताता है कि किस एरिया में, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, कहां पर तूफान बन रहा है या बन सकता है। ठीक है, और कैसे बनाता है? तो आप कहेंगे डॉपलर वेदर रिपोर्ट की सहायता से। डॉपलर वेदर रिपोर्ट क्या है? डॉपलर वेदर रिपोर्ट ये बताता है कि सागर में, समुद्र में किस जगह लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है, बन रहा है। बात समझ में आ गई? फिर से सुन लीजिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डॉपलर वेदर रिपोर्ट की सहायता से हमें पहले से ही पता चल जाता है कि साइक्लोन बन रहा है और वो आने वाला है और किस तट से टकराएगा, यहां तक नॉलेज हो जाती है। ठीक है ना, अब सुनिए ध्यान से आप। हम बात करते हैं अम्फान की। अम्फान ने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो किस क्षेत्र में पहुंचाया? ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। अम्फान कहां से बना? बंगाल की खाड़ी से। कहां से बना? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है ना। इसकी स्पीड क्या थी? अम्फान की स्पीड, रफ्तार क्या थी? 221 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अम्फान का नामांकन किसने किया? थाईलैंड ने। अम्फान का नामांकन किसने किया? थाईलैंड ने, ठीक है ना। निसर्ग की बात करते हैं, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। अगर हम इसकी रफ्तार की बात करते हैं तो 90 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से सुनिए, रफ्तार 90 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा। नामांकन किसने किया? बांग्लादेश ने। नामांकन किसने किया? बांग्लादेश ने। इतनी बात समझ में आ गई? आइए देखिए, अगर हम फैक्ट की बात करें, और पहला पॉइंट आपका बनेगा नामांकन की शुरुआत। नामांकन की शुरुआत कब से हुई? 2004 से। कब से हुई? 2004 से। और 2007 में, सॉरी 2004 में एक तूफान आया था जिसका नाम है ओनिल। क्या नाम है? ओनिल। 2004 में एक तूफान आया था जिसका नाम है ओनिल, और ओनिल का नामांकन किसने किया था? बांग्लादेश ने। ओनिल का नामांकन किसने किया था? बांग्लादेश ने, ठीक है ना। 2004 में नामांकन की शुरुआत, तूफान कौन सा था? ओनिल। नामांकन किसने किया था? बांग्लादेश ने, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान चक्रवात बनते हैं उनको नाम देने के लिए कौन कौन से देशों ने एक समूह, एक ग्रुप बनाया है? तो अभी भी जान लीजिए, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, यूएई और ओमान, ये आपके देश हो गए। ये बारी बारी से जो इस एरिया में तूफान बनते रहते हैं उनका नामांकन करते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? अब सुनिए ध्यान से, हम भारत में कुछ महत्वपूर्ण तूफानों के बारे में बात कर रहे हैं। 2014 में कौन सा तूफान आया था? निलोफर। 2014 की बात की जाए अगर, तो निलोफर तूफान ने गुजरात को प्रभावित किया था, ठीक है। 2016 की बात की जाए, उड़ीसा को प्रभावित किया कयांत ने। उड़ीसा को प्रभावित किया कयांत तूफान ने। 2018 की बात की जाए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को तितली ने बहुत प्रभावित किया। उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को तितली ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। 2019 की बात की जाए तो बुलबुल तूफान आपको याद होगा, और बुलबुल बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बुलबुल का नामांकन किसने किया? बुलबुल तूफान का नामांकन किसने किया? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। क्या आंसर होगा आपका? पाकिस्तान ने, ठीक है। बुलबुल तूफान उड़ीसा के उत्तरी सरकार यानी कि रॉयल सीमा तट से टकराया, जो क्या कहलाया? बुलबुल। और इसका नामांकन किसने किया? पाकिस्तान ने। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन था बुलबुल से? उड़ीसा, ठीक है ना। और सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, एक तूफान था जिसका नाम है फोनी। क्या नाम है? फोनी, ठीक है। अभी आया था, आपको याद होगा मई 2019 की घटना है। ये बुलबुल आया था दिसंबर में और ये आया था आपका मई में। मई में फोनी आया था, उड़ीसा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था इसने, ठीक है। इतनी बातें समझ गए होंगे आप लोग। अब सुनिए ध्यान से, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया और जनरेट हो रहा है, जो अभी नहीं लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक साइक्लोन का रूप धारण कर ले, ठीक है। और उस साइक्लोन का नाम पहले से ही, जो अभी आया भी नहीं है, उसका नाम पहले से ही रख दिया गया है गति। क्या नाम रख दिया गया है? गति। और इस बार नामांकन किसने किया है? भारत ने। और इस बार नामांकन किसने किया है? भारत ने। एक बार और आप सुन लीजिए ध्यान से कि भारत में सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा के तट पर आते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस तट को
सर्वाधिक चक्रवाती तट कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तरी सरकार या उड़ीसा का तट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आज की, ये बात जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर कोई सुझाव हो तो आप उसको भी कमेंट में करिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं और दे सकूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।